हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी को हमारे चैनल डे टू डे अपडेट में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बिहार विधानसभा भर्ती के एडवर्टीजमेंट नंबर 03/2018, जिसमें कि आपको जो यहाँ पे पोस्ट आता है वो प्रतिवेदक निजी सहायक और राशि रूपी का पोस्ट आता है, ठीक है। और यहाँ पे देख सकते हैं प्रतिवेदक का जो 23 पोस्ट है यहाँ पे, उसके लिए हम बात करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे एक नोटिस निकल कर आ रही है। उस नोटिस में बताया गया है कि प्रतिवेदक के जो पद है उसके लिए कोई भी कैंडिडेट जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं कर पाए हैं, एग्जामिनेशन में कोई भी कैंडिडेट को सफल घोषित नहीं किया गया है और इसके लिए फिर से एडवर्टीजमेंट घोषित किया जाएगा। उस नोटिस पे हम लोग चलेंगे, तो अभी से आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि आप अपडेट के भावना में खो जाते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, ये है नोटिस, यहाँ पे ये एडवर्टीजमेंट नंबर 03/2018 से रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिया गया है, जो कि 19 जून 2019 का डेटेड है, लेकिन वेबसाइट पे आज ही अपलोड किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बिहार विधानसभा सचिवालय के विज्ञापन संख्या 03/2018 के अंतर्गत प्रतिवेदक पद के लिए आयोजित परीक्षा में किसी भी अभ्यर्थी द्वारा वांछित मापदंड पूरा नहीं करने के फलस्वरूप उक्त पद पर नियुक्ति के लिए कोई भी अभ्यर्थी सफल घोषित होने योग्य नहीं है, प्रतिवेदक पद पर सीधी भर्ती हेतु पुनः विज्ञापन प्रकाशित किया जाएगा। तो फ्रेंड्स, आपको बता दूं कि जो एडवर्टीजमेंट नंबर 03/2018 है उसमें प्रतिवेदक यानी जो रिपोर्टर का पोस्ट है, जो 23 पदों पर भर्ती होनी थी, उसके लिए कोई भी जो उम्मीदवार है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यानी जो मापदंड है उसके फुलफिल नहीं किया है, ठीक है, तो उसके रिगार्डिंग जो है फिर से एडवर्टीजमेंट निकलेगा और प्रतिवेदक के पोस्ट के लिए फिर से भर्ती निकाली जाएगी और फिर से इसका फॉर्म को ऑनलाइन कराया जाएगा, ठीक है। तो कोई भी कैंडिडेट यहाँ पे सफल घोषित नहीं हुए हैं, और बाकी जो भी अपडेट आएगा बिहार विधानसभा भर्ती से रिगार्डिंग मैं देता रहूंगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, ठीक है। तो बस यही आपको छोटा सा अपडेट देना था, और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक्स फॉर वॉचिंग।